नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने के लिए जा रहा है दोस्तों। दोस्तों आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना है और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में दबा के रखना है, तभी आपको रेगुलर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों आज हम लोग किस टॉपिक पर बात करेंगे वो मैं आपको टॉपिक बता दूँ आप लोगों को। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो। चलो दोस्तों इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो उनके क्या क्या फीचर्स है दोस्तों, और दोस्तों वो हमें खरीदना चाहिए कि नहीं दोस्तों, इस सब के बारे में इस वीडियो में बता देंगे। और दोस्तों रेट के बारे में बता दूंगा दोस्तों, और दोस्तों वो मतलब डिस्काउंटेबल फ़ोन है कि नहीं दोस्तों, और दोस्तों वो अच्छा खासा फ़ोन होगा कि नहीं, इन सब के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को मैं बता दूंगा। दोस्तों इस वीडियो को आप लोगों को पूरा देखना है, और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना है और सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल में दबा के रखना है, तभी आपको रेगुलर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं टेक जीनियस, मैं हूँ अंजन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो। दोस्तों इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो दोस्तों हम लोग पहले बात करते हैं उसके स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों उसमें आप लोगों को सबसे स्मार्टफोन में सबसे बड़ा 6.8 HD फुल HD डिस्प्ले आप लोगों को इस फोन में देखने को मिलेगा। दोस्तों आप लोग सोच सकते हैं मतलब ये फ़ोन अच्छा है, मतलब स्क्रीन के ऊपर मतलब अच्छा ही है दोस्तों, हमें फुल HD स्क्रीन दोस्तों मिलेगा, और उसमें आप लोग अच्छा खासा वीडियोस आप लोग देख सकते हैं, मतलब आपको अच्छा लगेगा उसमें वीडियोस देखने के लिए। और दोस्तों आप लोग सोच सकते हैं कि उसमें गेमिंग कैसा होगा। दोस्तों आगे इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके बैटरी के ऊपर। दोस्तों बैटरी आप लोगों को जब आप लोग इस बॉक्स को जब आप लोग मतलब मोबाइल के बॉक्स को देंगे, तभी आपको बॉक्स को देख से पता चल जाएगा कि ये कितने mAh का बैटरी होगा। दोस्तों 6000 mAh का बैटरी है दोस्तों, सही में दोस्तों 6000 mAh। दोस्तों आप लोग सोच सकते हैं कि 6000 mAh तो बहुत अच्छा मतलब बैटरी हिसाब से मतलब हो सकता है। दोस्तों सही में दोस्तों ये बात मुझे पसंद आई कि 6000 mAh की बैटरी और दोस्तों इतने सारे मतलब बहुत लंबा आप लोगों को मतलब बैक देने के लिए मतलब वीडियो मतलब बैटरी आप लोगों को अच्छा मतलब परफॉर्मेंस देने वाला ये फ़ोन, और दोस्तों ये बैटरी मतलब बहुत लंबे समय तक आप सब मतलब 2-3 दिन तक आपको चार्ज नहीं करना पड़ेगा, ये टिक जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके प्रोसेसर के ऊपर। दोस्तों इसमें आप लोगों को पता ही है मीडिया हेलियो टेक GT वही प्रोसेसर आप लोगों को मिलेगा, मीडिया हेलियो GT। दोस्तों मुझे एक बात इसकी पसंद नहीं है दोस्तों, क्योंकि बैटरी अच्छा है मतलब गेमिंग के लिए भी अच्छा है, लेकिन दोस्तों प्रोसेसर थोड़ा अच्छा नहीं रहा। अगर कुछ अच्छा होता मतलब अगर स्नैपड्रैगन होगा, अगर मिलियो GT90T होता तो अगर अच्छा हो सकता था ये। दोस्तों ये बात मुझे पसंद नहीं है, लेकिन दोस्तों रेट के हिसाब से मतलब ठीक ही है दोस्तों, रेट में आप लोगों को आगे बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हमें दबा कर रखिए, तभी आपको रेगुलर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके रैम के ऊपर। दोस्तों इसमें आप लोग एक ही वेरिएंट देखने को मिलेगा, वो मतलब वो वेरिएंट में बता दो आप लोगों को 3GB रैम 32GB स्टोरेज। दोस्तों ये बात मुझे थोड़ी सी पसंद नहीं आई दोस्तों, लेकिन रेट के हिसाब से मतलब थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, जैसे 4GB रैम 64GB स्टोरेज अगर होता तो अच्छा होता, लेकिन यहाँ पर 3GB रैम 32GB स्टोरेज दिया है तो क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। हम इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं आप लोगों को, आप लोगों को मतलब चूज करना है आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए कि नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से ये प्रोसेसर अच्छा नहीं दिया है उन लोगों ने। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके चार्जर के ऊपर। दोस्तों 6000 mAh की बैटरी के बारे में तो आपको पता चल ही गया है इस मतलब वीडियो में। आप बात कर लेते हैं इस चार्जर के ऊपर। तो चार्जर आप लोगों को 10W का फास्ट चार्जर मिलेगा। दोस्तों 6000 mAh को 10W का फास्ट चार्जर चार्ज करने के लिए दोस्तों आपको मिनिमम आपको 3 आवर्स के ऊपर लग ही जाएगा आप लोगों को, क्योंकि 6000 mAh बैटरी चार्ज करने में थोड़ा 30W का चार्जर होना ही चाहिए, तभी जल्दी मतलब हो सकता है चार्ज, मतलब 30 मिनट्स के ऊपर लगेगा अगर 30W का चार्जर हो। लेकिन दोस्तों मोबाइल मतलब जो मोबाइल है उसके बारे में, स्मार्टफोन है उसके बारे में हम बात करेंगे मतलब उसके चार्जर के ऊपर। चार्जर आप लोगों को 10W का फास्ट चार्जर मिलेगा, ये बात मुझे पसंद नहीं। अगर 15W या 20W का चार्जर होता तब थोड़ा अच्छा होता, लेकिन उस लोगों को मतलब इन्फिनिक्स ने वो नहीं दिया है। हम लोग नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके, हम पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें मैंने सब स्क्रीन के बारे में बता दिया आप लोगों को, रैम के बारे में बता दिया, स्टोरेज के बारे में 32GB एक्सटर्नल स्टोरेज के बारे में बता दिया। दोस्तों आप लोग
बात करेंगे इस कैमरा के ऊपर। सो दोस्तों हर कोई स्मार्टफोन में एक कैमरा अच्छा होना चाहिए, मतलब सब लोग यही सोचते हैं। सो इसमें आप लोगों को डुअल कैमरा मिलेंगे। डुअल कैमरा आप लोगों को 13 मेगापिक्सल का, मतलब 13 मेगापिक्सल का आपको बैक कैमरा मिलेगा, और फ्रंट कैमरा जो मिलेगा वो है 5 मेगापिक्सल का। सो दोस्तों 13 मेगापिक्सल मतलब वेट के हिसाब से ठीक है, लेकिन जो मतलब सेल्फी कैमरा है, मतलब फ्रंट कैमरा ही बोल सकते हैं, वो मतलब मुझे पसंद नहीं आया। अगर 8 मेगापिक्सल 10 मेगापिक्सल का होता, अगर 8 मेगापिक्सल का भी होता तो अच्छा होता, लेकिन यहाँ पर हमें 5 मेगापिक्सल का ही कैमरा देखने को मिलेगा। सो दोस्तों मुझे ये बात थोड़ी पसंद नहीं है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके वेरिएंट। सो दोस्तों वेरिएंट एक ही है जो मैंने बताया, 3GB RAM 32GB स्टोरेज, लेकिन उसके कलर वेरियंट्स के बारे में बात करें। सो कलर वेरियंट्स आप लोग को ओशन ब्लू, ओशन लाइट ग्रीन भी आप लोग को इस मतलब दो वेरियंट्स आप लोग देखने को इस फोन में मिलेगा। लेकिन दोस्तों अभी और एक नया वेरियंट आ चुका है दोस्तों, पर्पल लाइट वो फोन दोस्तों मुझे हिसाब से अच्छा ही है दोस्तों कलर वेरियंट, और दोस्तों वो आप लोगों को मतलब अच्छा खासा देखने को मिलेगा। सो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि सिक्योरिटी के ऊपर। दोस्तों सिक्योरिटी इसमें आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर बैक में आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों, और ये बात मुझे पसंद आई दोस्तों। और उसका फिंगरप्रिंट मतलब बहुत फास्ट है दोस्तों, फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत फास्ट है दोस्तों, मतलब आप क्लिक करने से आ जाएगा, बहुत फास्ट है। लेकिन दोस्तों उसमें आप लोगों को फेस लॉक भी मिलेगा, फेस लॉक थोड़ा सा स्लो है दोस्तों, लिटिल बिट स्लो है दोस्तों फेस लॉक, लेकिन दोस्तों आप लोगों को मतलब इस फोन परफॉर्मेंस अच्छा खासा मिलने के लिए जा रहा है दोस्तों। और दोस्तों जब आप लोग इसे वीडियो शूट करेंगे दोस्तों, वीडियो शूट करने में अच्छा है बैक कैमरा, लेकिन फ्रंट कैमरा में जरा ज़्यादा मतलब आ जाता है, मतलब अगर मैं कुछ फोकस करूँ तो बहुत टाइम आ जाता है उसको मतलब फोकस को मतलब पकड़ने के लिए। तो यही बात मुझे पसंद नहीं है दोस्तों, मतलब यही झमेला था उस फोन में। सो हमने सबके बारे में इस वीडियो में बता दिया है। सो हम लोग आप बात करते हैं इसके रेट के ऊपर। सो रेट आप लोगों को 7999 मतलब 7999 मतलब 8000 रुपीज़ ही। सो 8000 रुपीज़ में आप लोगों को ये फ़ोन मतलब हिसाब से अच्छा है, मतलब डिसेंट सा फ़ोन है, मतलब अच्छा ही लगा। लेकिन दोस्तों अगर मतलब मैंने बता ही दिया, अगर उसमें कैमरा थोड़ा अच्छा होता है या चार्जर भी अच्छा होता तो अच्छा होता, मतलब वेल। सो ऐसा ही है मतलब इस फ़ोन में। सो हम लोग अभी आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं दोस्तों, आप लोगों को ये फ़ोन मतलब खरीदना चाहिए कि नहीं दोस्तों, आप लोग कौन खरीदना चाहेंगे ऐसा फ़ोन। सो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा कर रखना है, तभी आपको रेगुलर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे एट होम, स्टे सेफ।